आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लालू प्रसाद जी के विचार और निर्णय के अनुरूप नवादा लोकसभा से सरवर कुशवाहा जी को प्रत्याशी के रूप में आपके पास भेजा है। चारों तरफ एक ही सवाल, एक ही सवाल, स्थानीय बनाम बाहरी। 15 वर्षों से लगातार जो लोग नवादा में चरागाह की भूमिका अदा कर करके नवादा को ताकते और देखते नहीं थे, इसके बाद जो निर्णय राष्ट्रीय जनता दल ने लिया, महागठबंधन ने लिया, नवादा जिला में जाति और पार्टी के सारे बंधन टूट गए हैं और एक ही जज्बा और एक ही जुनून के साथ महागठबंधन के प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा को विजय बनाने में, जीत दिलाने में सभी युवा साथी, नौजवान साथी, हमारे जो अभिभावक हैं, सब लोग अपनी महती भूमिका अदा कर रहे हैं। हमारी सर, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने कल ही पूरे देश के सवालों पर इंडिया गठबंधन के निर्णय को लेकर के कि 2024 में हमारी सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो हमारे निर्णय क्या होंगे। नौजवान हो, किसान हो, आम हो, आवाम हो, महंगाई हो, लाचारी हो, बेबसी हो, सभी सवालों पर अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। सबसे पहले उन्होंने निर्णय लिया, इंडिया गठबंधन की सरकार अगर देश में बनता है तो 1 करोड़ सरकारी नौकरी पहली बैठक के बाद देश भर में दिया जाएगा। यह निर्णय आदरणीय तेजस्वी जी ने लिया। दूसरा निर्णय लिया कि 2004 में जो देश के प्रधानमंत्री जी आज हैं, उस समय कहते थे कि महंगाई की मार अब नहीं सके सहेगी देश की आवाम, जो कहते थे, तो महंगाई के सवाल पर भी निर्णय लिया कि जो गैस सिलेंडर आज 1200 रुपया में मिलता है, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो 500 रुपया में देशवासियों को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। 15 जो हमारे खेत के फसलें हैं, गेहूं चावल से लेकर के मक्का से लेकर के बाजरे तक, दलहन और तेलहन तक, सबको ध्यान में रख कर करके देश के विभिन्न राज्यों में जो ट्रेडिशनल वहां की खेती है उसके अनुसार MSP देने का निर्णय भी लिया गया है। साथ ही साथ यह भी निर्णय हुआ है कि अब देश में अग्निवीर नहीं चलेगा, अगर गठबंधन की सरकार बनेगी तो पूर्व की भांति इस देश में सेना जिस तरह से बहाल होते रहे हैं उसी तरह से बहाल होगी। उतना ही नहीं, जो हमारे खास कर करके पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं, चाहे वो SSB में हैं, चाहे वो BSF में हैं, CRPF में हैं, ITBP में है, अगर किसी कारण से खुदा न खास्ते कहीं उनकी जान चली जाती है, जो कल तक उनको शहीद का दर्जा नहीं देती थी केंद्र की सरकार, शहीद का दर्जा भी आने वाली सरकार महागठबंधन इंडिया गठबंधन की बनेगी तो होगी। सबसे बड़ा फैसला एक और हुआ, ओल्ड पेंशन नीति, पेंशन नहीं मिलता था, ओल्ड पेंशन नीति इस देश के अंदर में लागू की जाएगी। हमारा सेना के जवान से लेकर जो भी लोग हैं सबको पूर्व की भांति पेंशन नीति लागू की जाएगी। इसलिए साथियों, आदरणीय नेता तेजस्वी जी का आगमन हो चुका है, आप सभी से आग्रह है कि जो जहां है कृपया कर करके पंडाल के अंदर चले आए। और आदरणीय नेता जी आपके बीच में कुछ देर के लिए रहेंगे क्योंकि आगे कई सभाओं को संबोधित करना है, इसलिए तमाम साथियों से तेजस्वी जी का एक ही संकल्प है ना, नौकरी का मतलब क्या होता है, तेजस्वी यादव, नौकरी का मतलब तेजस्वी। तेजस्वी वो बंदा है जो कहते हैं जो करते हैं। दुनिया के इतिहास में कोई राज नहीं, कोई देश नहीं, 70 दिन के अंदर में 217,000 सरकारी नियुक्ति पत्र बांटे गए बिहार के अंदर में। दुनिया में एक मिसाल कायम हुआ, जो गांधी मैदान रैलियों के लिए जाना जाता था, वो गांधी मैदान को नियुक्ति मेला के रूप में परिवर्तन करने का अगर किसी को श्रेय जाता है, उस व्यक्ति का नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव।